है, वन ऑफ द लेसन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पसंद होता है या जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द लेसन जो स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, तो मैक्सिमम टाइम में यूनिट टेस्ट में, मिड टर्म एग्जाम में या सब जगह पे ये लेसन मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, ये और थर्मोडायनेमिक, तो जनरली ये मैक्सिमम लोग को आता है। इसका जो सबसे मेन पार्ट है, लेसन के दो पार्ट है, राउल्स लॉ बहुत ही सिंपल है समझना, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इज उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मेनली ये दो बड़े पार्ट है जिसको अपने को अच्छे से करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका डिलीटेड वाला पार्ट है, एक्सेप्शंस ऑफ टू हेनरीज लॉ, वेंट ऑफ फैक्टर, ये मीन्स लीड क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ फैक्टर, वो पार्ट ये क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो पूरा डिलीटेड है, तो उसको अपन नहीं करेंगे। विल स्टार्ट विथ एमसीक्यू, ठीक है, विल स्टार्ट विथ एमसीक्यू। शुगर डिजोल्व इन वॉटर बिकॉज ऑफ, ये सबको मालूम होना चाहिए, शुगर का जो फॉर्मूला रहेगा क्या रहता है, शुगर का फॉर्मूला, एनीवन, शुगर का फॉर्मूला किसी को आता है क्या? शुगर का फॉर्मूला किसी ने भी नहीं बताया, किसको भी नहीं आता सच्चे में? अच्छा ठीक है, ये तो मालूम है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज C6H12 और O6, इसके स्ट्रक्चर में OH होता है, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल ग्रुप रहेंगे, और तुमको मालूम है OH OH, ठीक है, दो वाटर और उसके बीच में जो रहेगा, अगर किसी के पास OH है और उसको वाटर में डिजोल्व करोगे, सो वो क्या बनाने वाला है, अगर वो डिजोल्व हो रहा है तो दैट इज ऑलवेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, आयनिक कंपाउंड नहीं है तो उसका जो डिजोल्व होने वाला है दैट विल बी ड्यू टू क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पार्ट यहां पे मालूम होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू, फैक्टर्स इफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, ठीक है, अच्छा वही है, तो लगाई चाहिए होगा, वॉइस का प्रॉब्लम है तो मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वॉइस मोबाइल से आएगा, आ रहा है क्या सबको वॉइस? यस सर, यस ओके सर, ठीक है, ओके। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग सोल्युबिलिटी क्या क्या मालूम है, सबसे पहले तो मेन ये होता है सोल्युबिलिटी, गैस के टर्म्स में बताओ मेरे को, बस दो चीज चाहिए तुमसे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, एक मतलब लिक्विड है और अगर तुमको इसके अंदर गैस को डिजोल्व करना है, इसको डिजोल्व करना है गैस को, तो मेरे को दो चीज बताओ, मेन दो चीज, प्रेशर अगर दिया मैंने यहां पे, अगर मैंने गैस रखा है ठीक है और ये तुम्हारा पिस्टन है, अगर मैंने इस गैस पे प्रेशर इंक्रीज किया तो सोल्युबिलिटी बढ़ता है या घटता है गैस का, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा गैस का, अगर प्रेशर मैंने गैस का इंक्रीज किया तो, इस गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया तो, तुम लोग बताओ, तुम एनीवन, हेनरीज लॉ मालूम है क्या, कुछ ऐसा होता है, सोल्युबिलिटी सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहां पर रहेगा सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्ट इज इक्वल टू के एच, और यहां पे क्या रहेगा पी रहेगा, यहां पे क्या रहेगा पी, इस पार्ट को पूरा एक मतलब डिस्कस कर लेते हैं, यहां पे ये के एच को क्या बोलेंगे, के एच इज कॉल्ड क्या, पढ़ाए कभी, हेनरीज लॉ हेनरीज कांस्टेंट कॉन्स्टेंट, बोलते हैं, ये के एच को क्या बोलते हैं अपन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या रहेगा कोई बताएगा, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ के एच, प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, एटीएम, या फिर वो क्या रहता है बार रहेगा, एटीएम या फिर वो क्या रहता है बार, एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ सोल्युबिलिटी,
इट इज मोलैरिटी, या उसी को अपन क्या बोलेंगे, मोल्स पर क्या रहेगा, लीटर। तो केएच का अगर कोई तुमको यूनिट पूछेगा, सो केएच का यूनिट होता है, इट इज मोल लीटर इनवर्स, और बाद में क्या रहेगा, बार का इनवर्स रहेगा। तो ये उसका यूनिट है। और दो चीज बस मालूम होना चाहिए, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेशर के टर्म्स में, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज, तुमको क्या लगता है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज होगा, वेरी गुड। उसके बाद में टेम्परेचर बताओ मेरे को, अगर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस लिक्विड का या यहाँ पे जो भी है इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया तो गैस का सोल्युबिलिटी बढ़ता है या घटता है? गैस का सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, डिक्रीज, ये मालूम होना चाहिए। तो गैस के सोल्युबिलिटी के बारे में दो चीज, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं समर के सीजन में सरफेस पे नहीं रहते, वो लोग नीचे वाले पार्ट में रहेंगे वाटर के, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर कम रहता है, तो ऑक्सीजन का कंटेंट नीचे वाले पार्ट में ज्यादा रहेगा सरफेस के कंपैरिजन में। तो आज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपन यही सीख रहे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, टेम्परेचर। ये दोनों पार्ट समझ में आए गए, आया ना? यस सर। यस, तो ये वाला पार्ट मेन है, आगे इसके बाद में, ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर अभी मैंने पढ़ाया, क्या रहता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्या, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होता है उसका, डिक्रीज होगा, अभी डिस्कस किया तो ऑलरेडी इसका डिस्कशन हो चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ, अभी डिस्कस किया, लाइन से आ रहे क्वेश्चन जो डिस्कस किया अपन ने, क्या रहेगा वो, मोल क्या रहेगा, लीटर इनवर्स एंड बार इनवर्स, अभी बताना मैंने, या वापस एक बार बता दूं, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू केएच इनटू क्या रहेगा, केएच इनटू क्या रहेगा, प्रेशर। सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या रहता है, मोलैरिटी, जो कि क्या रहता है, मोल्स पर लीटर, इक्वल टू केएच, एंड यहां पे क्या है, प्रेशर क्या रहता है, बार, या फिर क्या रहेगा, एटीएम। सो योर केएच विल बी इक्वल टू मोल, मोल एल इनवर्स, और यहां पे क्या रहेगा, बार इनवर्स, ठीक है, ओके, ये हो गया, आगे नेक्स्ट, इसका आगे क्या, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस, इस पे डिपेंड करेगा, ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है तुमको, इसको समझने के एक एग्जांपल बताता हूं मैं हमेशा, अगर एक लीटर ऑफ वाटर है, तुम लोग बताओ ये, ठीक है, यहां पे 30 ग्राम ऑफ यूरिया है, क्या रहेगा, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यहां पे रहता है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोस, ठीक है, तुमको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट, जब सोल्यूट ऐड करते तुम लोग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर सोल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा, रे ये ए वाले केस में ज्यादा रहेगा या बी वाले केस में, कौन बता रहा है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किस में ज्यादा रहेगा, ए वाले केस में या बी वाले केस में, एनीवन, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किस में ज्यादा रहेगा, फर्स्ट में या सेकंड में, या दोनों में सही रहेगा, तुमको क्या लगता है, ठीक है, तो इसके लिए मालूम होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अगर किसी को भी आंसर नहीं आ रहा है, यूरिया फॉर्मूला रहता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया का फॉर्मूला कितना ग्राम रहता है, ये 60 ग्राम रहता है, कितना ग्राम रहता है, 60 ग्राम। ग्लूकोज क्या रहता है, इट इज C6H12 एंड O6,
इसका वेट रहता है 180 ग्राम। तो ये 30 ग्राम है, मतलब ये 0.5 मोल है, ठीक है। ये 180 ग्राम होता है, 90 ग्राम है, मतलब मोल वाइज कितना ही है, 0.5 मोल है। तो इन दोनों में मास में तुमको लग रहा है कि इसमें कम मास है, इसमें ज्यादा है, लेकिन लेकिन मोल वाइज तुमने कैलकुलेट किया तो ये दोनों पार्ट में क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है, बराबर समझा गया है? वीडियो में रहा है वो है। एक मिनट, तो आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। इंटरनेट का इश्यू है, गिव मी वन मिनट, हो जाएगा वो भी सॉल्व। इधर से बंद कर देते हैं। यस, अभी आ गए, तो वापस चालू करते हैं। ओके, सो ये समझ में आया ना, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसके मास पीस पे नहीं। तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, दोनों भी केस में जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने वाला है, दैट विल बी सेम। सेम इसलिए, सेम इसलिए बिकॉज दोनों का भी मोल्स वाइज वो सेम है, 0.5 मोल ये भी है, ये भी कितना रहेगा, 0.5 मोल। समझ में आया या नहीं आया? याद आया ये कॉन्सेप्ट? अपन ने इसी एग्जांपल से समझा था, दो एग्जांपल से अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन समझा था, और उसमें से ये एक पार्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं आगे। द फॉलोइंग सॉल्यूशन सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट ऑफ वॉटर है, प्योर वॉटर है। तुमको मालूम है ना, अगर मैंने इसके अंदर ऐड किया, ये वन मोल ऑफ क्या ऐड किया, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, दूसरे में मैंने ऐड किया 0.5 मोलर, ठीक है, 0.5 मोलर CuSO4, और थर्ड वाले में मैंने ऐड किया है, थर्ड वाले मैंने ऐड किया है 2 मोलर कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तुमको मालूम है ना, वेपर प्रेशर वाटर का वेपर प्रेशर है, जब इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो क्या होता है, डिक्रीज। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर मैंने तुमको पूछा कि मिनिमम किसका रहेगा, ये तो इस एमसीक्यू का आंसर है, मैंने तुमको पूछा कि इन चारों में से मिनिमम किसका रहेगा वेपर प्रेशर, मिनिमम किसका रहेगा रे, स्क्रीन ब्लैक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरा, नो सर, सर दिख रहा है, दिख रहा है ना, स्पॉटलाइट नहीं है, कर दो स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट, अच्छा स्पॉटलाइट नहीं है, वो कर सकते हैं, किया सर, किया किया ना, ओके थैंक यू। ओके चलो अभी, हाँ तो मैंने पूछा कि मिनिमम किसका रहेगा वो बताओ, मिनिमम किसका रहेगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम यहां पे है, मैक्सिमम वाटर का रहेगा, मिनिमम किसका रहेगा, 0.5 का, क्यों रहे, ज्यादा जितने पार्टिकल्स ऐड करोगे उतना ज्यादा वो डिक्रीज करेगा ना वेपर प्रेशर को, हाँ यस सर, यस सर,
तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ऐड किया ना तुमने 2 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन, 2 मोलर क्या रहता है CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे कम किसमें रहेगा ये, तो ज्यादा वाला तो मालूम होना चाहिए, कम वाला भी तुमको मालूम होना चाहिए, तो उसमें सबसे कम रहेगा, ठीक है। ओके ये हो गया, आ गया। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहता है, वो रिलेटिव लोअरिंग क्या रहता है, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट विल बी इक्वल टू क्या रहना चाहिए, विल बी इक्वल टू क्या रहता है, एक्स टू रहता है, क्या रहता है वो, एक्स टू रहेगा, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट विल बी इक्वल टू एक्स टू, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज तो हुआ है लेकिन कितना, इतने वैल्यू से वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, आगे ठीक है। हाँ तो ये सॉल्व करके भी दिया है, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट वहां पे दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक या इबिडोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रीजिंग पॉइंट वाला पहले आता है। इसका सीन क्या है, इसका ये था चेंज इन क्या, बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, ये के क्या F F मल्टीप्लाइड बाय M मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, वो मोलैलिटी रहेगा, ठीक है। एंड उसका यूनिट पूछा है कांस्टेंट का, इसका यूनिट क्या रहेगा, रे टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर इसमें रहेगा केल्विन, Kf। मोलैलिटी का डेफिनेशन याद है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो Kf का यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी केल्विन केजी मोल इनवर्स, समझ में आया, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स, याद आया या समझ में आया क्या ये, एवरीवन, यस सर, ओके, सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर 0.1 मोल यूरिया एंड 0.1 मोल सुक्रोज, दोनों का भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसका 0.1 मोल ऑफ यूरिया एंड 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, सॉरी दोनों का भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम, फॉर्मूला क्या रहता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, क्या रहता है, पाई इज इक्वल टू सी आर क्या रहेगा, टी रहेगा, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफकोर्स क्या रहने वाला है, सेम रहेगा, ठीक है। ओके उसके बाद हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट ऑफ अ गैस, इसको सॉल्व करते हैं, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर अ गैस इज, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, सॉलिडिटी इज इक्वल टू के एच इंटू क्या रहेगा एस, KH कितना है 6.7 into 10 raised to minus क्या रहेगा 4 into solubility कितना है, when the partial pressure of the gas कितना है 0.65 bar रहेगा, 0.65 क्या रहेगा bar रहेगा, तो इसको अगर अपन ने सॉल्व किया 6.6 और ये तो 6.7 का 0.65 factor, ठीक है, तो दूसरा आंसर कोई है नहीं इसके रेंज में, तो 10⁻⁴ में दूसरा कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो पूरा कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है ए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला अगर आता है तो आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये याद है ना, दो सॉल्यूशन है ठीक है, बीच में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बीच में क्या रहेगा सेमी परमीएबल, ठीक है, उसके अंदर
उसके अंदर जिसका मीन्स दोनों में कुछ तो ये रहेंगे, दोनों में ठीक है, कुछ दो लिक्विड है, इसका कुछ तो प्रेशर है, इतना मुझे नहीं पता, 1 लीटर है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे 5 मोलर है ए वाले साइड में सॉल्यूट, यहाँ पे 10 मोलर, यहाँ पे 10 मोलर, पहले तो ये बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, लेफ्ट ए में या बी में, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है, ए का या बी का, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है, मालूम है या नहीं मालूम, नहीं मालूम तो बता दो, नहीं मालूम सर, बी बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा सॉलिड ऐड किया है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा, और दो सॉल्यूशन को जब तुमने डिस्कस किया है जिसका कंबाइन किया है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा दैट विल बी हाइपरबोलिक सॉल्यूशन, ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरबोलिक सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन 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 सॉल्वेंट कौन से साइड साइड में जाएंगे, ए से बी में जाएगा या बी टू ए जाएगा, एनीवन जो तुम्हारा सॉल्वेंट पार्टिकल है सेमी परमेबल के थ्रू ए से बी जाएगा या बी टू ए आएगा, मुझको ये पूछना है, ये तो मैंने बता दिया ये हाइपो है और ये वाला क्या हाइपो है, अभी तुमको बता रहा है कि अगर मैंने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को कनेक्ट किया तो सॉल्वेंट हाइपर से हाइपो की तरफ जाएगा या हाइपो से हाइपर की तरफ, हाइपर से हाइपो, हाइपो से हाइपर से हाइपो, क्यों हाइपो टू हाइपर ना, हाइपो टू हाइपर, अगर तुमको याद है ठीक है ऑस्मोसिस हमेशा उल्टा होता है, इट मूव्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है ठीक है वहां से वो कहां पे जाएगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा उसका ज्यादा रहेगा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन बट हाइपो टू को कहां पे जाना चाहिए, हाइपर, समझ में आ रहा है, तो ये चीज उल्टा लगता है और ये याद होना चाहिए, ओके आगे अभी तुमने डिस्कस किया व्हाट इज ट्रायल्स टू फील, अभी अपन ने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया KF, उसका यूनिट भी मैंने बताया, वी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है अगर तुमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है या डिक्रीज होता है, डिक्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डिक्रीज, ठीक है, डिप्रेशन इन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो तुमको मतलब मालूम होना चाहिए और वो आंसर अच्छे से लिखने को भी आना चाहिए, राउल्ट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टेट राउल्ट्स लॉ क्या रहता है, इसके चार पार्ट को तो तुम बहुत लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, क्या क्या वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज पार्शियल प्रेशर वोलेटाइल चीज का भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा इनिट्स क्या सोल्यूशन, इनिट्स क्या सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल ये कॉन्सेप्ट सोल्यूशन के लिए ही वैलिड है कि एक से ज्यादा कॉम्पोनेंट है तभी पार्शियल प्रेशर रहेगा, तो सोल्यूशन के लिए ही वैलिड है, और वो क्या रहता है, सोल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स इनिशियल वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, जनरली
डेफिनेशन में चार पार्ट अच्छे से आना चाहिए। क्लासरूम में बहुत बार ये बताया है, ये चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है। पार्शियल वोलेटाइल सॉल्यूशन, पार्शियल वर्ड तो है, वोलेटाइल वर्ड आना चाहिए। इसमें से एक भी नहीं तो जीरो मार्क्स हो जाता है, करके वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, ओके। हेनरीज लॉ क्या है, अभी डिस्कस किया। हेनरीज लॉ क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन दैट गैस। ये भी अपन ने फर्स्ट एंड सेकेंड एमसीक्यू में डिस्कस किया था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन एग्जिबिट्स डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, अब ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है। दो टाइप के पार्टिकल, एक तो क्या रहेगा, ये पार्टिकल होता है सॉल्वेंट, तो इसका पार्टिकल है सॉल्वेंट के पार्टिकल। ठीक है, दूसरा रेडिएंट होगा, किसके पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद में ये बाद में होगा, इससे सॉल्यूशन होता है। इसमें दो टाइप के पार्टिकल, सॉल्यूट के और दूसरा किसका रहेगा, सॉल्वेंट। ठीक, ये अभी क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेपर मैटर कंपोनेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका वेपर में जाने का टेंडेंसी क्या रहता है, बेस्ट रहता है, क्या रहेगा, दिस। तो इसके बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में देयर इज फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में ये रहेगा कि इसका दोनों का फोर्स, अगर ये F1 है और ये F2 है, अगर ये F1 है ये F2 है, तो यहाँ पे जो ये F3 फोर्स है सॉलिड का सॉलिड, तो यहाँ पे F3 विल बी इक्वल टू, मतलब ये फोर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, F3 F1 और F2 क्या रहेगा सेम, तो फोर्स में कुछ चेंज है क्या, फोर्स में कुछ चेंज आने वाला है क्या, नहीं। अगर फोर्स में चेंज नहीं आ रहा है तो जो वेपर बनेगा टेंडेंसी है अभी भी क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। लेकिन ये वाला केस है, इसका जो रहेगा, इसमें जो फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा F1, या इसका जो फोर्स है वो ग्रेटर देन इसका F3 तो रहेगा, ये भी ग्रेटर देन क्या रहेगा, F1 बनेगा, और यहां पे F3 सॉल्यूशन में जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में दैट विल बी लेस देन क्या रहेगा। ठीक है, इसके कोर पॉइंट्स पे समझो, ठीक है, ये समझना है कि अगर ये फोर्स बढ़ गया, पहले तो इंक्रीज की बात करते हैं, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बढ़ गया तो गैस बनने का टेंडेंसी, वेपर बनने का टेंडेंसी इंक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताओ तुम। मतलब पहले दो सॉलिड पार्टिकल है उसमें, और दो सॉलिड में फोर्स कितना है, 100 का फोर्स है, कितने का फोर्स है, 100 का। ठीक है, सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल, लेकिन जब सॉल्यूशन बना सॉल्वेंट और सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉलिड के पार्टिकल 150 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉल्वेंट का वेपर बनने का टेंडेंसी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कौन बता रहा, कौन बता रहा, कोई नहीं बता रहा, इंक्रीज, इंक्रीज नहीं डिक्रीज। तुमने पी ब्लॉक में या सब्जेक्ट में पढ़ा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर रहता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, राइट, मतलब वेपर बनने का टेंडेंसी क्या हो जाता है, डिक्रीज, क्योंकि अगर फोर्स बढ़ गया है तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा तभी वो वेपर बनेगा ना, बॉन्ड अगर वो ब्रेक होगा तभी वो क्या बनेगा, वेपर बनेगा, तभी वो क्या बनेगा, वेपर बनेगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, यस सर, बहुत सिंपल सा, अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, बस सॉल्वेंट एडम से डिस्कस किया मैंने, वो बोला यहाँ पे पहले फोर्स कितना था 100, जब ये सॉल्यूशन में गया तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में,
ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 150। वेपर बनने के लिए इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, तो ये पहले इजिली ब्रेक हो जाता था, अभी फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो इजिली ब्रेक नहीं होगा, तो ये वेपर इजी बन जाएगा और ये थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो इट शोज नेगेटिव डेविएशन। क्या शो करेगा? नेगेटिव, मतलब वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर उसका फोर्स कम है, पहले 100 था अभी 75 है, तो और वेपर बनेंगे, तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट में फोर्स 100 था और अभी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में भी फोर्स 100 है, तो वेपर प्रेशर अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके तीन क्राइटेरिया है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। और तुमको ये मालूम है ना, जहां पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फोर्स सेम रहता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइडियल सॉल्यूशन, जो डेविएशन शो नहीं करेगा, जो डेविएशन शो नहीं करेगा। समझ में आया या नहीं आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरैक्शन, ठीक है, है ना, ये सुनो, नहीं समझा तो नहीं बोलो, समझा तो हाँ बोलो। यस सर। ओके, किसने बोला यस सर। तो दो चीज और, अगर ये पढ़ा है तुम लोग, ये बताओ कि अगर ये दोनों फोर्स सेम है तो डेल्टा एच को चेंज हुआ क्या, रहे डेल्टा एच, मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स सेम है, ठीक है, तो डेल्टा एच चेंज इन एनर्जी कुछ होने वाला है क्या, मतलब अगर फोर्स है तो इसको ब्रेक करने में भी कितना एनर्जी लगा, 100 अमाउंट ऑफ हीट अपन देंगे और सोल्यूट और सॉल्वेंट का भी 100 है, तो जब ये बॉन्ड बनेगा ये एनर्जी कितना रिलीज करेगा, वापस से 100 रिलीज करेगा। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच कितना रहता है, डेल्टा एच कितना रहता है उसका, जीरो रहता है, क्या रहता है, डेल्टा एच कितना रहेगा, जीरो। वैसे ही अगर ये दोनों फोर्स सेम है, फोर्स अगर ज्यादा लगाया तो ये लोग पास में आ जाएंगे ना, 150 का फोर्स, अगर 150 का फोर्स लगाया ये दो पार्टिकल पास में आएंगे, कम फोर्स लगा तो ये दोनों पार्टिकल दूर जाएंगे। तो अगर गैस के पार्टिकल पास में आएंगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जो नया सॉल्यूशन बनेगा वॉल्यूम क्या होना चाहिए सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम रहेगा डेंसिटी या ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो अगर ये पास में आया तो डेंसिटी बढ़ गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये दूर दूर गए तो डेंसिटी क्या हो जाएगा उसका, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में तीन चीज समझ लेना, सब कुछ या एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस इंटरैक्शन। जो पहले दो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, ठीक है, 100 है, अगर बाद में वो 150 हो गया तो वेपर बनने का टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगा, इट शोज नेगेटिव डेविएशन। अगर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल का फोर्स पहले की कंपैरिजन में कम है तो वेपर बनने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स अगर सेम है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में भी कितना है, 100 है, तो उसमें अभी भी टेंडेंसी क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि इसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, तो इसको बोलते हैं अपन आइडियल सॉल्यूशन। ये वाला क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशन, ये वाला क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशन, और ये वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये वाला क्या रहने वाला है, पॉजिटिव डेविएशन रहेगा, ठीक है, समझा गया, आया ना, यस, ओके, चलेगा रे। तो यही है मींस आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, बुक्स में वो पीपीटी तुमको सेंड किया था, बहुत क्लियरली इसको स्टेप वाइज कैटेगराइज किया है, तो देख लेना अगर दिया था जहां से ज्यादा समझ नहीं आया ये तो क्वेश्चन मिल सकता है, तो आंसर को पीपीटी में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया। अभी डिस्कस किया इंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ
consisting of two components forming an ideal solution. Delta is kitna rahega? Zero. Delta V kitna rahega? Zero. Because pehle jo force tha and baad mein jo force hai wo bhi cancel. So we will discuss the very question. Repeat ho chuka hai. A vapor pressure of a pure liquid. ठीक है, ये सब सॉल्व कर लेना. ठीक है, मैंने नॉर्मल रिलेटिव क्लोरीन रिएक्शन सम सब ने एक दो वैल्यू सॉल्व कर दो. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कितना है पहले कितना है 0.043. व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज डिसॉल्वड इन इट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 0.041. Increase y and decrease y. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर पूछा है. व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है. तो इट विल बी डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इक्वल टू क्या रहने वाला है? एक्स टू रहेगा. तो डेल्टा पी इन दोनों का अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? 0.043 एंड 0.041. तो इसका वैल्यू दिख रहा है वो 0.00 क्या है? 2 है. अपॉन पी वन नॉट जो कि कितना है? 0.043 है. इक्वल टू क्या रहेगा? एक्स टू रहेगा. सो वॉट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? तो ये उसका वैल्यू है. अगर मैंने पॉइंट निकाला है तो इट विल बी, ठीक है, सब कुछ दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 1000 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2 अपॉन क्या रहेगा? 43. दिस विल बी x2. ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना. 43 कुछ तो है वो. तो पॉइंट वाइज जो है, ठीक है, 0.041 इसने रॉन्ग लिया है क्या? पी वन नॉट लेते ना, तो यहां पर रॉन्ग लिया है, विच इज 0. क्या लिया है? 0.41. क्या लेना चाहिए था? क्या लेना चाहिए था? कोई बताएगा क्या? 0.043 लेना चाहिए था. तो यहां पर रॉन्ग लिया है. तुम लोग वो मिस्टेक मत कर. ठीक है, ओके, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन. The osmotic pressure is given by where V is the volume and 2 moles establish the equation by the molar mass. Okay, simple होता है ना? तुमको मालूम है अगर concentration मालूम है, pi is equal to CRT. C क्या होता है? Number of moles upon volume into क्या रहता है? R into T. किसी का भी number of moles कैसे find करते हैं? अगर तुमको मालूम है glucose तुमको 90 ग्राम दिया है, 90 ग्राम दिया है, तो अपन उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे कन्वर्ट करते हैं? गिवन मास बाय अपॉन क्या रहता है? मोलर मास होता है, जो कि 180 ग्राम है. तो n2 इज नथिंग बट वो क्या होता है? गिवन वेट, ठीक है, w1 अपॉन उसका मोलर मास क्या रहेगा? m1 रहेगा, v इंटू क्या रहेगा? r इंटू t. तो यही तुम्हारा फॉर्मूला है. यही तुम्हारा क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा. ठीक है, बस मैंने सॉल्यूट लेना है तो W2 और क्या आना चाहिए? M2 आना चाहिए. और बाद में M2 के फॉर्म में तुमको मोलर मास फाइंड करना है, तो ये फॉर्म में भी वो एक्सप्रेशन तुम लोग लिख सकते हो. समझ में आया? हाँ या ना? यस और नो? यस. ओके, नेक्स्ट. डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल. अभी मैंने बताया आइडियल में, चलो एक एक बता ही देता हूँ. यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन ओबेस राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ फिर भी चेंज होने वाला है क्या? नहीं. लेकिन यहाँ पे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, फॉलो नहीं करता है, डेविएशन शो करता है. हीट डेल्टा एच, अभी मैंने बताया कि डेल्टा एच यहाँ पे जीरो रहेगा, वहां पे जो डेल्टा एच रहेगा, वहां पे जो डेल्टा एच रहेगा वो जीरो नहीं रहने वाला है. देयर इज नो वॉल्यूम चेंज. यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज रहने वाला है. ठीक है, इन आइडियल सॉल्यूशंस सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन रहता है वही इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी रहता है. यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा. एक तो पॉजिटिव डेविएशन या फिर क्या रहेगा? नेगेटिव. द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन, ठीक है, उनके बीच में रहेगा.
मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, उससे कम ज्यादा वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये अभी जस्ट डिस्कस किया है तो जाने दो। ये भी गिवन टू पॉइंट्स टू एक्सप्लेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, ये भी अपन ने देखा अभी कि जब वो ऐड करोगे तो उसी सीक्वेंस में, राउल्स लॉ के मतलब बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना बेसिक तो अपने को मालूम ही चाहिए। Kf and Kb are similar. In what way Kf and Kb are similar and in what way they are different? Similar क्या क्या रहेगा रे? They both will be proportional to molality. बराबर? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. दोनों का यूनिट क्या रहेगा रे? दोनों का यूनिट क्या रहने वाला है? सेम आया ना? यस। ओके, अब बताओ डिफरेंट क्या है, क्योंकि यहां पे दिया नहीं उसने शायद। दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट क्या है? In what way KB and KF and KB are similar and what way they are different? Difference बस इतना ही है ना रे? एक elevation constant है और दूसरा क्या है? एक increase के लिए constant है और दूसरा क्या है? Decrease के लिए constant है। बाकी कुछ तो difference नहीं है। ठीक है, एक increase को represent molal elevation constant, boiling point increase होता है, elevate होता है, and तुम्हारा freezing point क्या होता है? Depress होता है। तो वो दोनों चीज है, तो बाकी कुछ तो डिफरेंस नहीं। इनको और कुछ मिला तो मुझको बता देना। सिमिलैरिटी ज्यादा है, डिफरेंस कम है। कैलकुलेट टोटल मोल्स, चलो ये कुछ सम आ रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ डिसोसिएशन, अच्छा सिंपल ही है। 0.1 मोल KCl, कितने पार्टिकल्स बनेंगे इसमें? 0.05 मोलर सल्फेट Al2 SO4 थ्राइस। तुम लोग बताओ इसके कितने पार्टिकल बनेंगे वॉटर में? 0.1 मोल K+ एंड 0.1 मोल क्या बनेगा? Cl-। टोटल पॉइंट्स कितने? 0.2। इसके कितने बनेंगे? 5 पार्टिकल है, 3 इसके और 3 इसके, तो 0.05 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 0.05 into 5 किया मैंने, तो ये 0. कितना बनेगा? 25 बनेगा। 0. क्या बनेगा? 25। ठीक है, इन दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? KCl का या सेकंड वाले का? सेकंड वाले का फ्रीजिंग पॉइंट हायर। फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान दो, अगर मैंने वाटर लिया तो वाटर 0 डिग्री पे क्या होता है? फ्रीज होता है। ये है 0.2, तो 0.2 सपोज मैंने लिया कि वो -2 तक उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेके आए, लेकिन 0.25, ठीक है, कहां तक लेके आएगा उसको? -2.5 डिग्री तक लेके आए, तो फ्रीजिंग पॉइंट किस विच विल हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट जिसका किसका ज्यादा है, हायर टेम्परेचर पे कौन हो रहा है? ये वाला ना, दोनों में हायर कौन है टेम्परेचर वाइज? टेम्परेचर वाइज हायर कौन है? KCl है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम होता है जो कि आता है और तुमको भी अच्छे से आना चाहिए। एक और सम आ रहा है, ओके ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जस्ट अभी ये टाइप का अपन ने सॉल्व किया, तो ये वाला सॉल्व कर लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। डिफिकल्टी कुछ है क्या? नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। ये भी जस्ट अभी अपन ने किया जो उसका फॉर्मूला है। नहीं नहीं ये नहीं किया सॉल्व, ये नहीं किया। ठीक है, हाँ मोलर
उनको क्या मालूम होता है डेल्टा टी की स्पीड क्या है, डेल्टा टी की इज इक्वल टू केवी इनटू क्या रहता है मोलारिटी। मुझको मोलर मास के टर्म्स में चाहिए, मुझको मोलर मास के टर्म्स में चाहिए, तो डेल्टा टी भी क्या होता है केवी इनटू मोलालिटी का डेफिनेशन बताओ क्या रहता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट एन वन अपॉन क्या रहेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहां पे क्या रहेगा ये, यहां पे क्या रहेगा किसका वेट रहने वाला है वो डब्ल्यू टू रहेगा, क्या क्या रहेगा वहां पे डब्ल्यू टू रहेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या रहेगा केजी, तो डब्ल्यू टू रहेगा। अभी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ये डब्ल्यू टू है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते रहे अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में बताया मैंने, गिवन वेट अपॉन इट्स क्या मोलर मास जो कि क्या रहेगा एम टू, तुमको एम टू बस फाइंड करना है, तो एम टू तो यहां पे आ जाएगा वहां पे डिनोमिनेटर में, यहां पे एम टू आया तो यहां पे क्या बचने वाला है के बी अपॉन डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी, और यहां पे क्या बचा है इट विल बी डब्ल्यू वन अपॉन क्या रहने वाला है डब्ल्यू टू, ठीक है डब्ल्यू वन अपॉन क्या रहने वाला है डब्ल्यू टू वहां पे रहेगा, ठीक है या सॉरी मैंने वापस से ये उल्टा लिया, सॉल्वेंट डब्ल्यू वन होता है, क्या डब्ल्यू वन होता है सॉल्वेंट, तो दिस बिकम्स इसका क्या रहेगा मोल्स ऑफ एन वन डब्ल्यू वन अपॉन इसको एम वन लिखना चाहिए था मैंने, फिर एम वन यहां पे आएगा फिर ऊपर रहेगा, ऊपर क्या रहने वाला है डब्ल्यू वन, ठीक है और रॉन्ग है बराबर तो है, डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू यस सॉरी ये एम टू है और ये भी क्या रहेगा वेट ऑफ सोल्यूट, ये डब्ल्यू टू रहने वाला है, तो वो मैंने गलत लिखा था, तो यहां पे आएगा ये डब्ल्यू टू, यहां पे आएगा ये डब्ल्यू टू और यहां पे वेट ऑफ क्या रहेगा सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू टू अपॉन क्या रहेगा डब्ल्यू वन, तो एक्सप्रेशन सिंपल है, बस इतना याद रखना है कि तुमको इस चीज को क्या करना है, मैं सॉल्वेंट को वन नंबर रहेगा एंड सॉल्यूट को दो नंबर देना है, ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑस्मोसिस, ये भी ऑस्मोसिस का, अच्छा चलो ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ऑस्मोसिस के दो डेफिनेशन क्या, ऑस्मोसिस को पूरा डिस्कस करते हैं, ऑस्मोसिस के दो डेफिनेशन क्या है, एक जिसमें तुम लोग दोनों सिचुएशन दे देना, एक जिसमें यहां पे क्या है सॉल्वेंट है और यहां पे क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है इसमें जो तुम्हारा सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा, कौन बता रहा है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कौन बता रहा है एनीवन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इज करेक्ट, वेरी गुड, लेकिन अगर ये वाला सिचुएशन है मैंने दो सॉल्यूशन लिए ठीक है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलार और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलार, ठीक है एक लो कॉन्सेंट्रेशन है या हाई कॉन्सेंट्रेशन, अभी यहाँ पे कहां से जाएगा रे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बताओ, ऐसा ना वॉटर अगर 180 ml है या मैंने वॉटर को ले लिया 100 atm, मैंने 5 मोलर ऐड किया तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा रे 100 से डिक्रीज होता है 95 atm,
और अगर ये 100 atm था, मैंने 10 molar ऐड किया, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 90 atm. अभी प्रेशर कहां पे ज्यादा है? प्रेशर कहां पे ज्यादा है? यहां पे ज्यादा है. तो गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करेगा. तो 5 मोलर से 10 मोलर पे मूव करेगा. तो तुमको दोनों डेफिनेशन मालूम होना चाहिए. ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस, वर्ड क्या है वहां पे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, उसके आगे वेयर सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल करेगा. कौन ट्रेवल करेगा? सोल्यूट का पार्टिकल नहीं, सॉल्वेंट का पार्टिकल. लेकिन कहां से ट्रेवल करेगा? एनीवन? दो सिचुएशन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट से वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा. दूसरा, अगर अगर दो सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाए. समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Okay, so we can move to the next part. तो ये ऑस्मोसिस के बारे में इतना मालूम होना चाहिए. With the help of vapor pressure curves of solution, explain boiling point energy. बहुत सिंपल है यार. वॉटर को हीट करते जाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो 180 एम हो जाता है. तुमने अभी पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. अगर तुमने कुछ और पार्टिकल्स डाल दिए तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है. तो वापस से वो प्रेशर को 180 एम तक लेके जाने के लिए थोड़ा और टेम्परेचर देना पड़ेगा, थोड़ा और टेम्परेचर देना पड़ेगा. पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा था, अभी 105 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बॉइल. तो ये टेम्प डायग्राम भी मतलब सेम है. यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ से चालू होता है, सॉलिड पार्टिकल ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और ये डिफरेंस कवर करने के लिए इतना हीट उसको ज्यादा देना पड़ता है, इतना हीट उसको ज्यादा देना पड़ता है. सो दैट इज कॉल्ड योर बॉइलिंग पॉइंट क्या? एलिवेशन. बॉइलिंग पॉइंट क्या? एलिवेशन. ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड 1 लीटर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.55 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 5 ml, व्हाट इज मोलर मास ऑफ बी? बहुत सिंपल है, दोनों का अगर सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहने वाला है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहने वाला है? सेम रहेगा. तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टू एम टू वी है. ठीक है, तो पाई इसको प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों अगर दोनों में ये सेम था 16:1, 3:1, हाँ ठीक है. आइसोटोनिक में बस इतना याद रखो कि दोनों का अगर आइसोटोनिक है तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू रिमेन क्या? सेम. तो दोनों के यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है और बाद में दोनों को बस यहाँ पे क्या किया है? इक्वेट किया है. दोनों को वहां पे क्या किया है? इक्वेट किया है. ठीक है, तो ये आरटी और ये सब नहीं, ये प्रोपोर्शन वाला पार्ट है, ये प्रोपोर्शन वाला पार्ट है. दोनों में सेम है, तो पहले वाले सिचुएशन का ये एंड सेकेंड वाले सिचुएशन का ये, दोनों को बस साथ में लेना है, दोनों को बस साथ में लेना है. यहाँ पे सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले केस में ये 8.55 है, जब ये कितना रहेगा? 0.5 लीटर वॉल्यूम है, जब ये कितना है? 0.5 लीटर उसका वॉल्यूम है. सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले केस में जब ये 1 लीटर है, ठीक है, उसके अंदर ये कितना ग्राम है? 30 ग्राम. कितना ग्राम रहने वाला है? 30 ग्राम रहेगा. तो उन दोनों को इक्वेट कर लो, पाई वाले इक्वेशंस अपने आप ही तुमको M2 का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, एक और सम आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं. ये समझ में आ रहा है? ये बोलो डिटेल में चाहिए, इक्वेट करना है बस. नहीं आया तो पूछ लो वापस से. तो देखो ये सम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना. हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने को ट्राई करो, उसको फास्ट में ले जो कम इंपॉर्टेंट है, और कुछ को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे ये वाला. और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है? 0.027. व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट? ठीक है,
इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसके लिए व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ क्या सॉल्वेंट, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एनीवन इसने मुझसे ट्राई की फॉर्मूला बताओ कोई? यस एनीवन ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सिक्स ग्राम इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब तुमको P1 नॉट, ठीक है, P1 नॉट माइनस P, या जो भी इसका डेल्टा नहीं रहेगा वो निकालना है, मतलब डेल्टा पहले में सब मैंने डेल्टा नहीं निकाला, मतलब कितने से वो डिक्रीज होगा। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी, इट विल बी क्या? P1 नॉट माइनस P1 नॉट। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। सॉरी, हाँ बताओ कितने से वो चेंज हो, ये सम तो आना चाहिए। एनीवन? फॉर्मूला बताओ कोई तो, राउल्स लॉ का पूरा इक्वेशन ही कर लेते एक बार। P1 नॉट माइनस P1, हाँ P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, वंस अगेन प्लीज, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 अपॉन P1 नॉट, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। यस, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया ना, ये तो रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर हो गया ना, P1 माइनस P1 नॉट इनटू P1 नॉट। ओके, तो ये क्या रहेगा? इक्वल टू X2, अगर इससे निकालना है P1 नॉट माइनस P टोटल, ठीक है। हाँ आगे भुं, भुं, भुं। और ये तुम्हारा क्या रहेगा? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इंटू क्या रहने वाला है? X2। या तुम्हारे लिए चलो एक बार राउल्स लॉ का पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या क्या रहता है स्टार्टिंग में? एक रहता है क्या? P1। दूसरा क्या रहता है? P2 नॉट, ठीक है, P1 नॉट है, दूसरा क्या रहेगा? P2 नॉट। ये टाइम पे उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रहते हैं? N1। ये टाइम पे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे? N2। आगे इसका जो मोल्स फ्रैक्शन है X1 का क्या रहेगा? इट विल बी N1 अपॉन क्या रहता है? N1 प्लस N2। इसका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा? X2 विल बी N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके चलो ये भी आ रहा है। इसके आगे अगर मुझको क्या फाइंड करना है? P1 क्या रहेगा? पहले वाले का पार्शियल प्रेशर P1 नॉट इनटू क्या? P1 नॉट X1। वेरी गुड। P2 क्या रहेगा? P1 नॉट X2। P2 नॉट इनटू क्या रहेगा? X2। P टोटल क्या रहेगा? अभी P1 प्लस P2। P टोटल विल बी P1 प्लस क्या रहता है? P2 रहेगा। वेरी गुड। सो ये क्या बन जाता है? इट इज P1 नॉट इनटू क्या रहेगा? X1 प्लस P2 नॉट इनटू क्या रहने वाला है? X2 रहेगा, ठीक है। इसमें इसके अंदर अपन कॉमन क्या लेते हैं? किसको कॉमन लेते हैं? X1 को लेते हैं ना,
x1 क्या रहता है x2 minus 1 sorry 1 minus x2 1 minus x2 very good 1 minus क्या होता है x2 plus p2 not into क्या रहेगा x2 रहेगा very good आगे बताओ p1 not minus p1 not क्या रहता है x2 plus p2 not into क्या रहेगा x2 ठीक है इन दोनों में x2 अगर मैंने कॉमन लिया x2 कॉमन लिया तो क्या बनता है ये p1 not प्लस ठीक है p2 नॉट माइनस p1 नॉट इनटू क्या रहेगा ये x2 रहेगा समझ में आएंगे ठीक है तो ये उसका p टोटल है मतलब नए वाले सॉल्यूशन का नया वेपर प्रेशर तो उसके बाद में अगर अपने को क्या निकालना होता है डेल्टा p क्या निकालना होता है डेल्टा p क्या रहता है डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर कितना रहेगा इट विल बी पी वन नॉट माइनस पी टी ठीक है लेकिन ये भी अपने को किसके लिए फाइंड करना होता है कौन से इसके लिए नॉन वोलेटाइल के लिए किसके लिए अपने को फाइंड करना होता है नॉन वोलेटाइल के लिए और नॉन वोलेटाइल है तो पी टू क्या रहता है उसका जीरो आता है पी टू क्या आता है उसका जीरो So, ये डायरेक्टली क्या बन जाता है इट बिकम्स P1 नॉट माइनस P1 नॉट इनटू क्या रहता है X1 और ये वाला क्या बन जाता है दिस पार्ट विल बी P1 कॉमन लिया मैंने तो P1 नॉट इनटू 1 माइनस क्या रहेगा X1 एंड 1 माइनस X1 इज नथिंग बट क्या 1 माइनस X1 इज नथिंग बट क्या X2 होता है तो ये उसका डेरिवेशन है इसके बाद भी नेक्स्ट वाला डेरिवेशन क्या होता है इसके बाद में अपन क्या फाइंड करते हैं रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर ठीक है तो वो क्या रहेगा या डेल्टा पी अगर मुझको निकालना है तो पी वन माइनस क्या रहेगा ये एक्स टू अभी यहां पे क्या क्या दिया है पी वन दिया है एक्स टू निकाल सकते हो क्या एक्स टू निकाल सकते हो क्या यस एक्स टू निकाल सकते हो क्या हाँ या ना सबसे मेन काम वही है x2 का वैल्यू निकाल पाओगे x2 विल बी हमको बस बिल्कुल इसका आंसर बता दो ये सॉल्व अपने आप ही हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2 का वैल्यू कौन बता रहा है n2 कितने मोल से है 6 ग्राम है मोल का मास 60 है कितना मोल से है पॉइंट तो वो कितना है सॉल्वेंट को नहीं दिख रहा है यहाँ पे लिखा है ना वॉटर कैसे निकालोगे उसके नंबर ऑफ मोल्स 50 ग्राम है और एक मोल मतलब कितना ग्राम होता है 18 ग्राम होता है कितना ग्राम होता है 18 ग्राम तो ये वाला कितना रहेगा 50 बाय क्या रहने वाला है 18 तो फॉर्मूला तो सिंपल है लेकिन इस ठीक है जो ये वाला पार्ट है ना मींस एक्स टू निकालना यही मतलब मैक्सिमम लोगों को डिफिकल्ट जाता है वो एक्स टू एक बार मिल गया तो उसके बाद में कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रहेगा ठीक है वो ये वाला क्या पूछा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अब ये सब क्यों सॉल्व किया उसने ओके इसने घुमा फिरा के पहले पूरा P1 फाइंड किया है
ठीक है, इसने थोड़ा सा घुमा फिरा के किया है, जो नया प्रेस ये रहता है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो P1 ही उसका नया वेपर प्रेशर होता है, तो दिस विल बी सिंपली P1 नॉट इनटू क्या रहेगा X1, तो ऐसे भी कर सकते हो। इन लोगों ने पूरा वो फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व किया है, लेकिन दोनों इससे आंसर सेम ही आना चाहिए, दोनों इससे आंसर सेम ही आना चाहिए। P1 कितना दिया जा रहा है, P1 अपने को सॉरी P1 नॉट दिया है, जीरो पॉइंट कितना दिया था, 22 ओके, अपन ने x2 फाइंड कर लिया था, सो इट वॉज 50/18 ये रहेगा, और यहां पे क्या रहना चाहिए 50/18 प्लस उसका मोलारिटी आया था 0.1, ठीक है, तो अगर इसको अपन ने सॉल्व किया तो इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आना चाहिए। दिस इज वैल्यू ऑफ योर x1, 50 बाय क्या रहेगा 18, और यहाँ पे 50 बाय क्या रहेगा 18, और ये प्लस क्या रहेगा 0.1, दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए, दोनों का भी आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है, चलेगा, तो ये सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके देना चाहिए, लेकिन जितना टाइम लिमिट है उसमें अपन नहीं कर पाएंगे इसको। पॉइंट वन पॉइंट वन, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन स्किप कर रहे हैं, किसी को चाहिए रहेगा तो लेक्चर के एंड में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर चाहिए रहेगा तो, अगर तुमको लग रहा है कि तुम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और ये बिना लॉग टेबल के अपन ये वाला कैलकुलेशन कर भी नहीं पाएंगे अप्रोक्सीमेशन लिए बिना। कौन सा पेज है वो, 55 चलेगा, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन योर रीजन, कौन बता रहा है, डिस्कस कर लिया ना, कभी भी दिमाग को समझ नहीं जा रहा है इसका, ये क्या है नॉन आइडियल, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन अभी मैंने बताया इंटरैक्शन पे रहता है वो सब कुछ, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन सेम है तो वो आइडियल रहेगा, नहीं रहा तो वो आइडियल नहीं रहेगा। फोर्स अगर कम हुआ तो डेविएशन बढ़ता है, फोर्स अगर कम हुआ तो डेविएशन घटता है, ठीक है, तो वही उसके मेन पार्ट्स है, ये आपने डिस्कस कर लिया तो उसको हटा देते। ये भी अभी फ्रीजिंग पॉइंट का डायग्राम, जैसे मैंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट पहले उसको वेपर प्रेशर होता है, जब सॉल्यूट ऐड करोगे, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैं उसका जो ये होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का अलग है, ठीक है, अगर मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड किया उसका वेपर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज, तो जब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इस तरीके से दोनों एक पॉइंट पे मिलता है, अगर मैंने इसको डिक्रीज किया तो ये अलग पॉइंट पे मिलेगा, ये तो मिलने वाला पॉइंट होता है सॉलिड और लिक्विड का, इट विल मीट एट अ डिफरेंट पॉइंट, वो एक अलग पॉइंट पे मिलेंगे, तो बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का भी क्या रहने वाला है सेम ही रहेगा, दोनों का भी क्या रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है, आगे इसके बाद में, ठीक है, ये हो गया, एक्सप्लेन द टर्म्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और आइसोटोनिक और ये, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या रहता है, दो पार्ट होते हैं, क्या रहेगा सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट और क्या रहेगा सॉल्यूट रहेगा, तो ये दोनों में से बस हाफ टाइप ऑफ पार्टिकल को अलाउ करता है, तो दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सिलेक्टिवली बस सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करेगा दोनों साइड में जाने के लिए, दोनों साइड में जाने के लिए
जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दैट विल बी कॉल्ड हाइपरक्लोरिक, दैट विल बी कॉल्ड हाइपोक्लोरिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो क्या रहने वाला है हाइपोक्लोरिक, एंड जो तुम्हारे सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करेंगे वो हाइपो टू कहां पे जाएगा हाइपरक्लोरिक में, हाइपो टू कहां पे रहेगा हाइपरक्लोरिक, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है कॉलिंग प्रॉपर्टी उसको डाउट में छोड़ नहीं सकते, अपने को करना ही है वो, ठीक है। तो उसको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या अभी के अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। सॉरी वॉइस क्लियर नहीं था, लास्ट वाला पार्ट सेम ही था। आई एम सेइंग न्यूमेरिकल्स वो अपने को प्रॉपर उसका आंसर मिला नहीं, उसके लिए लॉग बुक यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन किसी को नहीं समझा रहेगा, एक बार घर पे ट्राई कर लेना यूजिंग लॉग बुक, कैलसी नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए अपन कर रहे हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आएगा जिसके लिए लॉग बुक रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो मैंने जो बोला कि इसको दो फॉर्मूला से कर सकते हैं डायरेक्टली एक्स टू, अपने को P1 ही निकालना है तो P1 not into X2 अपन कर सकते थे, तो उतना सब कुछ यहाँ पे required नहीं था, उतना सब कुछ यहाँ पे required नहीं था, ठीक है। तो अगर अभी भी नहीं समझा है प्लीज व्हाट्सअप करो और उस पे से मैं तुमको ये बता दूंगा, आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलेगा जाए, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय सर, बाय बाय सर। Bye, sir.